विराट ने 77 हाँ मतलब कि रन जो किए हैं बहुत वैल्यू वाले रन है, ये मामूली रन नहीं है। विराट कोहली ने आज 77 रन बनाकर सबके मुंह पे चपेट नहीं जूता मारा है कि भाई किंग ऑलवेज किंग भाई। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार उन्होंने ये साबित किया है कि इस खेल का वो बादशाह है। कहा गया है वो बरसाती मेंढक जो आरसीबी के पहले मैच के बाद निकल के आए थे और विराट कोहली को ट्रोल कर रहे थे कि हाय 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 विराट कोहली ने स्लो खेल लिया भाई। हम खड़े हैं जहां मैटर बड़े होते हैं वहां किंग खड़े होते हैं, वहां विराट खड़ा था। तो मेरे सामने वो सोनू पीली चप्पल टाइप के घंटे निकल गया हो ना, मेरे सामने वो घंटे निकल गया हो जो बकवास करते हो बैठ के कि विराट कोहली पिछले मैच में 20 रन पे आउट हो गया था। पुत्र आपके अब्बू ने आज जो किया वो तो देखा होगा, हमने किंग खड़ा तो सैम करन क्या बच्चा यार, अभी वो विराट कोहली को ये नाच पेश कर दे। ये तो विराट कोहली के बेटे बूटे के लिए है, ये विराट कोहली के जो छोटे छोटे बच्चे है ना, जैसे हारिस रूप हो या वो ऑफिशियली बेटा ऑफ विराट कोहली है। आज जिस तरह से एक पर्सन उनके कदमों में आगे बढ़ा यार, इसे कहते हैं किंग। मतलब लोग विराट कोहली को गॉड मानते हैं, खुदा मानते हैं क्रिकेट का, एंड दे से भाई किंग किंग होता है, चेस मास्टर होता है, उनको कह लें किसी ना किसी वजह से ये नाम दिए गए हैं। विराट भाई का नाम आ जाए तो फिर आरसीबी ऐसे विनिंग मोमेंट्स ना दे आपको, ये पॉसिबल ही नहीं है बाजी, नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। जी विराट कोहली ने ये बता दिया कि T20 क्रिकेट का इस टाइम कोई बाप है ना अगर वो विराट कोहली है, और इस टाइम दुनिया के क्रिकेट पे अगर कोई हुकूमत कर रहा है वो विराट कोहली कर रहा है। जो कह रहे थे कि विराट T20 का प्लेयर नहीं रहा, विकेटों पे नहीं, कि T20 क्रिकेट नहीं खेल सकता, हमें तेज प्लेयर चाहिए, और आज देख लो उसने वन मैन शो करके दिखा दिया और अपना बताया कि भाईजान द किंग इज विराट कोहली। कोहली का तूफान आया ग्राउंड में, जो कोहली ने 77 रन किए ना, वो 70,000 गुना तेज तूफान लेकर आया विराट। दिनेश कार्तिक को सलूट मार दो यार, क्या इनिंग के लिया यार, 10 बॉल पे 28 स्कोर कौन करता है? मुझे मैं सोच भी नहीं सकता दिनेश कार्तिक इतने बड़ा हिटर बन जाएगा यार। पहला पहली बॉल आई है लास्ट ओवर की, लेग पे छक्का, उसके बाद बॉय डाइव करके वो स्ट्रेट पे छक्का, स्ट्रेट पे जो चौका मारा है ना उसने यार, कोहली की तरह सामने चौका गया है। जैसे एक बंदे ने पोस्टर पे लिखा होता कि मेरी वालदा ने मुझे बोला कि आप मंदिर जाके पूजा करो, मैं पूजा छोड़ के विराट कोहली का मैच देखने आ गया हूं। सेट ऑफ ऑल टाइम गॉड द फादर द अब्बूजी ऑफ क्रिकेट द किंग विराट कोहली की आरसीबी ने पंजाब किंग्स की भाई बजा के रख दिया। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपने कल देखा कि किस तरह से आरसीबी की टीम ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हराकर जीत का आगाज शुरुआत कर लिया है, और जिस तरह से विराट कोहली ने कल बल्लेबाजी की, उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 77 रनों की पारी खेली, जिसके बदौलत आरसीबी की टीम ने इस मुकाबले को आसानी से जीता। लेकिन जिस तरह से दिनेश कार्तिक ने लास्ट में फिनिश किया, सभी लोग देखकर हैरान हो गए थे। लेकिन आपको बता दें कि जो फाफ डू प्लेसिस है, ग्लेन मैक्सवेल है और कैमरन ग्रीन है, उन्होंने कोई अच्छा प्रदर्शन ही नहीं किया, सिर्फ 3-3 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन जिस तरह से विराट कोहली ने प्रदर्शन दिखाया, पूरी तरीके से सभी लोग देखकर उसको हैरान हो गए थे। पंजाब के 14 करोड़, 15 करोड़, 11 करोड़ जितने भी थे, उसने सबको पकड़ के बजा दिया उधर ही, उसने सबका पकड़ के उधर ही घंटा बजा दिया है, और उसने बता दिया कि बेटा मेरे से बेहतर आज भी चेज कोई नहीं करता, मेरे से बेहतर आज भी चेज कोई नहीं करता। और वो मेरे सामने वो सोनू पीली चप्पल टाइप के घंटे निकल गया हो ना, मेरे सामने वो घंटे निकल गया हो जो बकवास करते हो बैठ के कि विराट कोहली पिछले मैच में 20 रन पे आउट हो गया था। पुत्र आपके अब्बू ने आज जो किया वो तो देखा होगा, आपके अब्बू ने आज जो किया वो आपने देखा होगा ना, आज जिस तरह उस बंदे ने इनिंग को लेके वर्ल्ड तक ले गया, ना वो मैक्सवेल टुला चला है, ना वो फैफ डुप्लेसी चला है, ना वो कैमरन ग्रीन चला है, ना रजत पाटीदार चला है, अकेला विराट कोहली खड़ा रहा है। एंड पे डीके ने आगे मैच को खत्म किया। देखो दिनेश कार्तिक ने मैच विनिंग इनिंग्स खेली है, लेकिन जिस बंदे ने मैच को बनाया उसका नाम है विराट कोहली, जिस बंदे ने मैच की बजाइया पकड़ के पंजाब की उस बंदे का नाम है विराट कोहली। देखो मैं आपको हमेशा से ये बात करता आ रहा हूं कि विराट कोहली जैसा टैलेंटेड प्लेयर, विराट कोहली जैसा गॉड गिफ्टेड प्लेयर, यकीन करो दुनिया में या जिंदगी में वर्ल्ड में एक बार ही आता है। विराट कोहली ने आज 77 रन बनाकर सबके मुंह पे चपेट नहीं जूता मारा है कि भाई किंग ऑलवेज किंग। भाई किंग जब एक बार किंग कहा जाता है ना जिसको, वो हमेशा किंग ही रहता है। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अभी तक किसी ने इतने ज्यादा रन नहीं बनाए जितने विराट कोहली ने बनाए, और भाई इस सीजन का सबसे पहला छक्का भी मारने वाला किंग विराट कोहली है। कांग्रेचुलेशन आरसीबी वालों, आप लोगों को यह जीत काफी ज्यादा मुबारक हो। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार उन्होंने ये साबित किया है कि इस खेल का वो बादशाह है। मगर फिर भी सुनने को मिलता है कि कोहली ऐसा है, कोहली वैसा है, स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है, बल्लेबाजी वैसी नहीं रही, और छक्के कम मारता है, क्या हो गया कोहली को, बूढ़ा हो रहा है। मगर फिर अगले मैच में वो कुछ ऐसा कर देते हैं कि सबकी बोलती बंद हो जाती है। ये है विराट कोहली। आज उन्होंने जो इनिंग खेली, बहुत से लोगों के लिए नई इनिंग होगी, बट मेरे लिए तो रूटीन है कि ऐसी बहुत सी इनिंग्स उन्होंने खेल चुके हैं, और खासकर चेज मास्टर उनको कहा जाता है, चेज मास्टर फॉर अ रीज़न ऑफ कोर्स। आज जो बल्लेबाजी उन्होंने की, आप दूसरी तरफ देखें जो उनके साथ खेलने आए थे, जिसको बोलते हैं कंपेनियन सीट में जो उनके साथ बैठे थे, आप देखें फाफ डिप्लेसी जा रही हैं, मैक्सवेल जैसा जा रहा है प्लेयर, साथ में ग्रीन गया, साथ में आप देखें बड़े बड़े बल्लेबाज जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता साथ छोड़ रहे हैं, मगर कोहली डटे रही हैं और खूब खेले हैं।
और आप देखें सैम करन को अगरचे दूसरी बॉल के ऊपर कोहली को लाइफ मिली, मगर कोहली जैसे बल्लेबाज को आप दूसरी जिंदगी देंगे तो वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, और ऐसे ही उन्होंने किया। सैम करन के उस ओवर में 4 बाउंड्रियां उन्होंने समेटी और उसके बाद भी उन्होंने 3 बाउंड्रीज लगाई। लाइक अनबिलीवेबली परफॉर्मड, आई वाज सो हैप्पी। हम लोगों ने लास्ट मैच में इतनी परफॉर्मेंस मिस की और आज वो सारी चीजें पूरी हो गई हैं एंड आई एम सो हैप्पी। आज मुझे सुकून की नींद आएगी क्योंकि कोहली ने आज परफॉर्मेंस करके दिखाई, आज उसने छक्के चौके मारे हैं और मजा आ गया। मतलब आज उसने बॉलर्स को 4 चौके एक ही ओवर में मारे हैं, मतलब जैसे कहते हैं जिसको कहते हैं दिल को ठंड पै जाती है, ठंड पई है कसम से आज परफॉर्मेंस ने। सीधी सीधी बात है भाई, आज हम लोगों ने विराट कोहली जब चला गया ना तो उसने का कोई फिक्र की कोई बात नहीं। दिनेश कार्तिक है ना, उसने भाई 10 बॉलों में 28 स्कोर किया और ऐसा किया कि मजा आ गया। यकीन करो मैं लिटरली बड़ी हैप्पी हूँ आज की विन के साथ। आज मतलब जीतने ना मतलब सुकून आ गया और आई एम सो हैप्पी। आपको मतलब ऑडियंस कितनी ज्यादा, क्राउड कितना ज्यादा एक्साइटेड और कितना मजेदार था। अगर हम लोग बात करें मतलब इतना मजा ना क्रिकेट में नहीं आ रहा था, ऑडियंस को देख के ज्यादा आ रहा था। और सबसे ज्यादा जो मैं पसंद करती हूँ ना मतलब आईपीएल देखने में, वो विराट कोहली की हरकतें। भाई बंदा ना वाकई में प्रो है लिटरली। उसने स्ट्रेस नहीं लेने देनी, ना खुद लेनी है ना किसी को लेने देनी, क्योंकि स्ट्रेस तो हमारे प्रेशर हमारे लिए बने ही नहीं है ना, मेरे लिए बना है ना मेरी टीम के लिए बना है। बाकी लोग लो प्रेशर जो हमारे ऑपोजिट खेल रहे हैं, हमें इतनी बेहतरीन एवरेज एक प्लेयर की कैसे मुमकिन हो यार। विराट कोहली वो प्लेयर है कि जब वो ग्राउंड पे आते हैं, जो समझ लो तो वो कहते हैं कि यार जवानी में हमने ऐसे काम कर लिया कि जब हम बल्ला उठा के ग्राउंड पे आते तो कोई ना कोई रिकॉर्ड हमारा वेट करो। लास्ट वाले मैच में 21 रन किए थे लेकिन 12,000 रन का रिकॉर्ड उसने अपने साथ जोड़ लिया। वो जब भी वो 4 रन भी करे उसका रिकॉर्ड एक उसका वेट कर रहा होता है। उसने इतने रन बनाए हुए, इतने टारगेट सेट किए हैं कि मतलब सामने वाली टीम जो है वो जब ग्राउंड में उसका खौफ ही काफी होता है। मौजूद है कुछ भी कर सकते हैं, मैच में कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, मोहम्मद सिराज ने आखिर कमबैक किया, पहले मैच में जो है परफॉर्म नहीं कर पाए लेकिन आज उसने 2 विकेट लिए। क्या कहेंगे मोहम्मद सिराज जो है वो अगर मैदान में उतर पड़ा है तो लगता है कि ये भी जो अगले मैच में यार सिराज एक टैलेंटेड बॉलर है और अगर वो एक दो मैच लग जाते हैं बल्ले के इधर उधर हो जाते हैं लेकिन जब वो मोमेंटम पकड़ लेते हैं तो फिर वो फाइफर लगाने वाले बॉलर है। विराट कोहली ने सिर्फ नाम अचीव नहीं किया, इज्जत भी अचीव किया, लेकिन नाम बनाना इज्जत बनाना तो डिफरेंट चीज है। विराट कोहली ने दोनों अचीव कर लिए और साथ उसमें जैसे अपनी 100वीं 50 की है कंप्लीट आईपीएल के, सॉरी पहला इंडियन बन गया इसने T20 में कंप्लीट की। तो यार ये ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो किंग बना गया, किंग के बाद कोई नहीं बनाएगा। यार मैं दिनेश कार्तिक को सैल्यूट मार दूं यार, क्या इनिंग के लिए यार 10 बॉल पे 28 स्कोर कौन करता है? विराट कोहली और दिनेश कार्तिक ने तो लूट लिया आज का दिन। भाई मैं कहता हूं जितने इन लोगों ने क्या कहता है पैट क्यूमंस को वगैरह पैसे दिए ना, इधर दिनेश कार्तिक को भी ऊपर पैसे दे दो। 11 चौके और 2-3 छक्के मार के ऐसी इनिंग खेल गया लड़का, शपाटर है भाई तू। क्या बात है विराट भाई आपकी, आप डिजर्व करते हैं जो अल्लाह ताला ने इतनी आपको इज्जतें दिलवाई हैं। विराट कोहली जो T20 जो लोग कहते थे विराट कोहली T20 के लिए नहीं बना हुआ, वो पागल है ना वो। अब समझ लेके ना एक सरप्राइज है बाकी सब टीम के लिए। पंजाब के ज़हन में ये था कि मैच अब हमारे हाथ में आ गया, लेकिन जैसे उनके मुंह से उन्होंने वो छीन कर गए अपना मैच। मैं समझता हूं कि उनको दाद देनी चाहिए उनके उस प्लेयर को जिन्होंने ये स्कोर करके अपनी मैच विनिंग इनिंग खेली है। तो क्या कहेंगे, जैसे कि आपको पता ही है कि जो यानी कि मुश्किल तरीन मैच बन गया था क्योंकि पहले 2 तो उनके ओपनर आउट हो गए थे, संभाला विराट कोहली ने। आज का जो वन मैच है वो विराट कोहली का। ऑब्वियसली बात है देखो 77 एक स्कोर होता है, दोनों इनिंग में सबसे ज्यादा स्कोर किसका? विराट कोहली का। किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से 1 भी 50 नहीं है, यहाँ पर बैंगलोर की तरफ से सिर्फ विराट कोहली का 77 है। तो ऑब्वियसली बात है फिर विराट कोहली वन मैच हो ना यार, वो बंदा हमेशा से वन मैच हो रहा है, चाहे वो पाकिस्तान की बॉलिंग हो या आईपीएल की परफॉर्मेंस हो। जब वो बंदा चलने भी आता तो वन मैच हो ही करता है, विराट कोहली जब चलने भी आता तो वन मैच हो ही करता है और वही उसने आज करके दिखाया। तो क्या कहेंगे मोहम्मद आमिर का, कह रहे हैं यानी कि कमबैक हो रहा है, ऊपर से विराट कोहली के बल पे कहा जा रहा था कि विराट कोहली नहीं खेलेंगे लेकिन आज की परफॉर्मेंस में इससे लगता है कि विराट कोहली आपको T20 में नजर आएंगे और मोहम्मद आमिर के खिलाफ विराट कोहली चलते नजर आएंगे। बिल्कुल यार देख लो शुरू से जो विराट और आमिर की टसल चलती आई है उसको हम हमेशा से एंजॉय करते हैं। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी जनता भार मतलब आरसीबी की जमकर तारीफ कर रही है, खास करके विराट कोहली और दिनेश कार्तिक की, क्योंकि जिस तरह से विराट कोहली ने इनिंग खेली है पूरी तरीके से सभी लोगों को हैरान कर दिया। उन्होंने शानदार चौके छक्के मारकर शुरुआत में उनका कैच छूटा लेकिन जिस तरह से उन्होंने पारी खेली है उसको पीछे मुड़कर नहीं देखा और उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 77 रन ठोके। लेकिन आपको बता दें कि विराट कोहली की यह इनिंग उस टाइम जरूरत थी जब आरसीबी को टीम को जरूरत थी किसी बड़े इनिंग की, लेकिन जिस तरह से आरसीबी टीम मुश्किल में जाती है तब तब विराट कोहली अच्छे प्रदर्शन करते हैं और जिस तरह से कल बैटिंग की है उन्होंने दिखा दिया कि उन्हें T20 का मतलब खिलाड़ी क्यों कहा जाता है और T20 मतलब टीम में रखना क्यों शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन आपको बताना है कि इसके पहले जब T20 वर्ल्ड कप के लिए बातें हो रही थी टीम अनाउंसमेंट की, उस समय बातें हो रही थी कि विराट कोहली को ड्रॉप किया जाएगा T20 वर्ल्ड कप से क्योंकि वो T20 के खिलाड़ी नहीं है, क्योंकि वो अच्छे मतलब तेजी से रन नहीं बनाते हैं। लेकिन आज जिस तरह से विराट कोहली ने पारी खेली है सभी के मुंह पर तमाचा मारा है और सभी लोग देखकर हैरान हो गए हैं कि विराट कोहली को टीम में रखना सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि विराट कोहली मुश्किल सिचुएशन में वो मैच को बनाकर देते हैं। और इसका मतलब इसको देखकर राशिद लतीफ भी विराट कोहली की जमकर तारीफें कर रहे हैं कि विराट कोहली को T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में जरूर होना चाहिए, अगर उनको वर्ल्ड कप से निकाला जाता है तो भारत वर्ल्ड कप से पहले ही बाहर हो सकती है।
लेकिन आपको बता दें कि जब 2022-21 में T20 वर्ल्ड कप मेलबर्न में खेला जा रहा था, उस टाइम मतलब T20 वर्ल्ड कप था, उस समय हरीश राव को जो विराट कोहली ने छक्का मारा और उस मैच को जो फिनिश किया भारत और पाकिस्तान मैच को, पूरी तरीके से सभी लोग सोच लिए थे कि भारतीय टीम हार जाएगी, लेकिन मैच को मतलब बुरी तरह हारने से बचाए थे विराट कोहली ने ही। तो आप कैसे विराट कोहली को T20 वर्ल्ड कप से ड्रॉप कर सकते हैं? खैर, इस पर आपकी क्या राय है हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।